आए हैं ये तीन डब्बे, और इस तीन डब्बे में आज है वेजिटेरियन माने वेज खाना। तो चलो आज हम इसमें देखते हैं डब्बों में क्या है। तो मैं बता देती हूँ, इस डब्बे में है चिली पनीर ड्राई, चिली मशरूम ड्राई और चिली बेबीकॉर्न ड्राई, और इसको खाने के लिए इसके साथ हमने लाए हैं ये बटर नान। चलो अब टेस्ट करके बताते हैं नान के साथ चिली पनीर जीतता है या फिर चिली मशरूम जीतता है या फिर चिली बेबीकॉर्न जीतता है, कौन ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए सबके हिसाब से सबका अपना टेस्ट होता है, लेकिन मैं अपना टेस्ट आप लोगों को बताती हूँ कौन जीतता है। इस तीनों का जो प्राइस है ना वो लगभग सेम ही है, 159 में मुझे ये मिला है, ये 159 का, ये 159 का और ये 159 का, और ये 40 रुपीस का है। तो चलो आज टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे, देखो बिल, ये बिल है। चलो अब सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कौन जीता है, नान के साथ क्या ज्यादा अच्छा लगता है। चलो जो वेजिटेरियन है ना उसको ये वीडियो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ट्राई कर पाएगा कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है ये देख के। चलो और जो वेज खाता है और नॉन वेज खाता है, दोनों ही खाता है, तो उसको भी ये वीडियो पसंद आएगा मुझे लगता है। चलो देखते हैं, तो इस डब्बे में से क्या निकलता है चलो देख लेते हैं। तो इस डब्बे में है, लगता तो है ये चिली मशरूम लगता है, ये चिली मशरूम है लगता है। चलो इसको हम निकाल लेते हैं, इसको निकाल लिया, इन तीनों को भी निकाल लेंगे और देखेंगे क्या ज्यादा टेस्टी है। चलो इसको साइड में रख देते हैं। अब निकलेगा क्या, अब निकलेगा ये चिली बेबीकॉर्न है। मैंने ना सिर्फ ड्राई मंगवाया है कि जो है चिली पनीर ड्राई, चिली मशरूम ड्राई, जिसको ग्रेवी अच्छा लगता है वो ग्रेवी भी खा सकता है। चलो अब इसको भी निकाल लिया, देख लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर है चिली पनीर ड्राई। चलो अब देख लेते हैं कौन सा ज्यादा, नान के साथ क्या कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है। चलो इसको भी निकाल लिया, टेस्टी टेस्टी। चलो अब देखते हैं, और इसके साथ खाने के लिए मैं नान लेकर आई हूँ, ये बटर नान है। चलो नान थोड़ा सा लेके यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहले मैं ट्राई करूंगी ये पनीर, चलो देखते हैं, पहले खाली खा के देखते हैं। बहुत सॉफ्ट है पनीर, तो अच्छा होगा जानते थे हम। नान के साथ देखते हैं, प्याज नान का तो हो गया, अब मशरूम का देख लेते हैं। मशरूम जिस जिसको पसंद है वो तो मशरूम चिली जरूर ट्राई करना, अच्छा लगता है वो मशरूम के ऊपर कोटिंग देके, अच्छा लगता है। चलो अब नान के साथ देख लेते हैं। बहुत अच्छा, मुझको ना इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं था मशरूम कैसा होगा। मशरूम ना यहाँ पे बंगाल में उतना चलता नहीं है, चलता है लेकिन हमारे सिटी में उतना नहीं चलता, तो मुझे मालूम नहीं था। टेस्ट बहुत अच्छा है, आज मैंने पहली बार चिली मशरूम खाई है। चलो बेबी कॉर्न देखते हैं। फैंटास्टिक है नान के साथ। नान के साथ से खाली खाली ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा है लेकिन वो ज्यादा अच्छा था खाली खाली। तो इसको मैं 10 में से 9.5 देती हूँ, और इसको 9, और इसको भी 9। तो मेरे कहने का मतलब है तीनों ही टेस्टी है, तीनों ही जीत गया। और चिली मशरूम, जो मशरूम खाने का मन करके जाएगा तो मशरूम उसको जरूर ये खाना चाहिए स्टार्टर्स में, तो जरूर। और ये बेबी कॉर्न भी बहुत अच्छा लगा, और ये पनीर भी, तीनों ही जीत गया है, तीनों ही आपको खाना चाहिए। चलो आज वीडियो इतना ही, और हम दूसरे वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, तो चैनल के साथ रहना। टाटा बाय बाय।